हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजी फैशन। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कैनन 77DXLR कैमरा। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ था, एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं लाया था इसीलिए, क्योंकि मैं जो था कैनन का ये DXLR कैमरा लाने की सोच रहा था, तो ऑब्वियसली मैं इसको ले आया हूँ। तो आज इसके करते हैं हम अनबॉक्सिंग के किस तरीके से और इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो ये देखिए, कैनन 77D और 18x135mm लेंस के साथ ये आया है। 24 मेगापिक्सल इसका कैमरा है एंड बाकी फीचर्स ये हैं इसके। वाईफाई वाईफाई इसमें सब दिया हुआ है। 16 GB इसके साथ एक कार्ड मिलता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। बाकी सब यहाँ पे सब इंग्लिश एंड चाइना में लिखा हुआ है। वाईफाई, ब्लूटूथ एंड HDMI एंड NFC जैसी चीज़ें इसमें सब चीज़ आपको मिलती हैं। इस ये लगभग 93,000 इसका जो है MRP प्राइस है इसका, वो है 93,000। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो इसके अंदर इस तरीके की बुक्स निकलती हैं। इस बुक्स में आपको पूरी थ्योरी दी होती है किस तरीके से ये हमें चलाना है और क्या क्या इसके अंदर सेटिंग्स हैं। तो कैनन में काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आती हैं, तो उसको आप देखेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा निकलता है एक चार्जर और उसकी ये केबल है चार्ज करने की, और ये हमारा चार्जर है। तो बैटरी जो है वो हमें इसके अंदर लगानी है, जो कि ये पिन दे हुई है, बैटरी का खाँचा बना है एंड यहाँ पे ये इस तरीके से लगेगा। ये चार्जर हो गया हमारा। तो ये हमने आप ही के लिए लाए हैं, जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए, ताकि आपको क्वालिटी अच्छी मिल सके। और ये है हमारी बैटरी। तो ये देखिए, बैटरी काफ़ी छोटी है इसकी। ये एक फुल बैटरी लगभग 600 फोटो एक बार में खींच सकती है। ये देखिए, तीसरी चीज़ जो है वो है कैनन की तरफ से ये बेल्ट। तो ये बेल्ट निकलती है एक। तो इसमें नॉर्मल ही चीज़ें दी हुई होती हैं, जैसे आप सोचें रिमोट या आपको फ्लैश अलग से मिले, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। नॉर्मल जो चीज़ होती हैं वही। ये देखिए, ये इसका लेंस है जो कि बहुत अच्छा और काफ़ी बेटर लेंस है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, 18x135mm इसका साइज़ है। तो इसका साइज़ जो होता है, ये जूम इस तरीके से करता है कि 135 तक ही आपका जूम करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बाहर को निकल जाता है जब हम जूम करके फ़ोटो खींचते हैं। ये देखिए, ऊपर की साइड में ये कैप लगा है एक, एंड मैंने जब ये कैमरा लिया था तो लेंस में मैंने ये सेफ्टी कार्ड एक चढ़वा लिया था। ये ग्लास था, सेफ्टी ग्लास हमने चढ़वा लिया था, और बैक से हमारा ये इस तरीके से एक कैप लग के आता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा लेंस। इसके बाद में देखिए, ये आता है हमारा कैमरा। एंड ये एक और चीज़ है, ये है हमारी चिप, जो हमारी चिप लगेगी। तो चिप देखिए, ये 16 GB की चिप है एंड ये 600 रुपये की है जो इस पर प्राइस पड़ा है। बट ये कैमरे के साथ ही मिलती है, ऊपर मैंने शुरू में दिखाया था। ये देखिए, 16 GB सनडिक्स कंपनी की ये चिप है। तो अब हम अपने कैमरे को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ये अब निकल के आ रहा है कैनन 77D, काफ़ी बेटर एंड काफ़ी हल्का कैमरा है ये, जितने भी कैमरे आए हैं। एंड ये इसकी जो लॉन्च हुआ है ये, तो 2017 में ही ये लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट मॉडल है ये। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। आगे की कैप हम हटा देते हैं एंड लेंस को लगा देंगे। तो लेंस का भी ये कैप हटाएंगे। ये देखिए, ये सफ़ेद पॉइंट है, जो इस सफ़ेद पॉइंट को, यहाँ पे एक सफ़ेद पॉइंट है। ये देखिए, इस सफ़ेद पॉइंट को दोनों को मिला के लगाएं इस तरीके से, और हल्के से आपको ये घुमाना है, खटाक से आवाज़ आएगी और ये अपने आप फिट हो जाएगा। ठीक है, कैनन से कैनन आपका सामने आ जाएगा। ये अब रेडी हो चुका है। इसमें हमें चिप लगाना है पहले तो, एंड बाद में आपको बैटरी लगाना है। तो चिप लगा देंगे हम यहाँ पे, ये हमारी चिप लग जाएगी। ये चिप हमारी सेट हो गई एंड यहाँ पे हमारी बैटरी लगेगी। बैटरी
तो बैटरी का हम जगह इस तरीके से खोलेंगे और ये हम अपनी बैटरी सेट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पिन से पिन आपको मिलानी है, इस तरीके से आप लगाएंगे आराम से बैटरी आपकी लग जाएगी। यहाँ पे ये देखिए रेडी हो चुका है आपका कैमरा, ठीक है। तो कैमरे को ऑन किस तरीके से करना है हमें, तो सबसे पहले ये देखिए ये तीन ऑफ़ है, तो ऑफ़ को हम ऑन करेंगे यहाँ को, ठीक है। हम दूसरी साइड को कर देंगे तो हमारी वीडियो का आता था। ऊपर देखिए ऊपर जो LCD आपकी लगी है तो यहाँ पे आपका ये दिख जाएगा कि किस तरीके से ये आपका ऑन हो गया है। यहाँ पे आपको दिखता होगा ये देखिए ये फ्लैश जल रही है, तो ये ऊपर वाला बटन है वो हमारा फ़ोटो क्लिक करने का होता है, ये IOS का बटन एंड ये वाला लाइट का। तो लाइट आपको अंधेरे में दिखेगी पीले कलर की, आपकी ऑरेंज कलर की लाइट यहाँ पे जलती है जब आप बटन दबाएंगे तब, ठीक है। अभी नहीं जल रही है और अब ये जल जाएगी इस तरीके से। तो आप लोगों को क्वालिटी अच्छी मिल सके इसलिए मैं आपको ये कैमरा लाया हूँ, ताकि काफ़ी शिकायत आती थी कि ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं है या कुछ भी, तो आपको अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ से ये ओपन होता है एंड अब जो है डिस्प्ले में नहीं दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये वाले बटन से आप दबाएंगे फिर से, तो आप ये देखिए ये मेनू का बटन है, तो ये बटन दबाएंगे तो आपकी सेटिंग्स आ जाएगी। तो काफ़ी सेटिंग्स दी हुई है इसमें, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सब इसमें सेटिंग्स के बारे में दे रखा है एंड आप बटन से भी चला सकते हैं इसको इस तरीके से, और आपका टच स्क्रीन भी दे रखा है तो टच से भी आप चला सकते हैं। ये देखिए वायरलेस सेटिंग, तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है इसमें। वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही कैमरे को चला सकते हैं। ये देखिए अनेबल एंड डिसेबल, तो डिसेबल कर देंगे तो आपका यहाँ से वाईफाई थोड़ी देर में हट जाएगा, जो आपका लिखा हुआ आ रहा है वो हट जाएगा। एंड अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो आपका ये चलता रहेगा, तो इसे हम अनेबल ही रहने देते हैं क्योंकि हमें वाईफाई कनेक्ट करना है थोड़ी देर में। तो ये देखिए ये एक मैंने फ़ोटो क्लिक करा, तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये फ़ोटो आता है। तो ये देखिए बिल्कुल भी आपका जो फ़ोटो है वो फटने वाला नहीं है। मैं आपको एक दो पिक और दिखाता हूँ किस तरीके से आएंगी लास्ट में, ठीक है। तो अब बात करते हैं NFC की, तो NFC सेटिंग जो है वो यहाँ पे है। ये देखिए ये अनेबल है हमारा, वाईफाई अनेबल करेंगे तो आपकी नीचे देखिए NFC सेटिंग है वो भी अनेबल हो जाएगी अब ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अब हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं अपने मोबाइल से। तो ये देखिए मेरे मोबाइल में जो है NFC सेटिंग दे रखी है, ये सोनी का मोबाइल है, ये देखिए N बना हुआ है। तो हम इस N को और अपने मोबाइल के N से मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ये कनेक्ट हो जाएगा, बट आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपलोड होना चाहिए कैनन का। तो पहले तो मैं NFC अपनी खोलता हूँ, देखिए यहाँ से हमने NFC खोली और इसको हम इस तरीके से टच करेंगे, तो ये देखिए अपने आप जो है जब N से N अपना मिलेगा तो अपने आप ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, बट आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक, इस तरीके से कनेक्ट ये हो जाएगा। तो ये देखिए कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके मोबाइल में। कैमरे को हम रख देते हैं नीचे और ये देखिए एक फ़ोटो का और ये वाला लाइव का। तो ये जो कैमरे में आ रहा है, देखिए मैं कैमरा हिला रहा हूँ तो मेरे मोबाइल में सब दिख रहा है। अब ये कैमरे से भी आप चला सकते हैं और मोबाइल से भी, तो ये आप मोबाइल से सेटिंग्स भी इसकी बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी आपको पिक जो मैंने खींची थी वो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये आई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पिक्स हैं, ये मैंने क्लिक की थी एंड दूसरी पिक मेरे भाई की है, वो देखिए ये दूसरी पिक है। एंड बहुत जल्द ये दूसरा चैनल शुरू करने वाले हैं, तो वो इसी कैमरे से सब वीडियो बनेंगी, तो प्लीज़ उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो कुछ अलग हटके चैनल है, तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।